हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फूडीज कॉर्नर। आज हम बनाएंगे मिक्स वेज कोफ्ता। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। आइए देखते हैं इसके लिए हमें किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी। लौकी हमने कद्दूकस करके बॉईल कर ली है, सारा पानी निकाल दिया है। बारीक कटा हुआ शिमला मिर्च, बारीक कटी हुई बीन्स, बारीक कटा हुआ गाजर, दो मीडियम साइज कटे हुए टमाटर ग्रेवी के लिए, दो मीडियम साइज प्याज ये भी ग्रेवी के लिए, चार पांच मिर्च, लहसुन, अदरक ग्रेवी के लिए, कसूरी मेथी, क्रीम, खड़े मसाले, जीरा, जायफल, हरी इलायची, तेज पत्ता, काली मिर्च, दालचीनी, जायफल और लौंग। पेस्ट बनाने के लिए हमने टमाटर प्याज ग्राइंडर में डाल लिया है, हम इसे एक फाइन पेस्ट बना लेंगे। पेस्ट हमारा रेडी है, इसे हम साइड में रख के अब कोफ्ते बनाएंगे। कोफ्ते बनाने के लिए हम पहले बाउल में लौकी डालेंगे, शिमला मिर्च, गाजर, बीन्स, हरा धनिया, आप चाहे तो इसमें बारीक कटा मिर्चा भी डाल सकते हैं। इसे अच्छे से मिक्स कर लें। जब ये अच्छे से मिक्स हो जाए, इसमें हम बेसन डालेंगे, चार से पांच टेबलस्पून। अगर आपको और जरूरत पड़े तो आप डाल सकते हैं। नमक स्वाद अनुसार। इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं हम। ये हमारा अच्छे से मिक्स हो गया है और अब हम इसकी बॉल्स बनाएंगे। हम इसकी मीडियम साइज बॉल बना लेंगे। इस तरीके से हम सारे बैटर की बॉल बना डालेंगे। बॉल हमारी बहुत ही सॉफ्ट बनी हुई है, आप देख सकते हैं। हमारी बॉल्स रेडी हैं। अब हम इसमें रवा की कोटिंग करेंगे ताकि हमारी बॉल्स बहुत ही अच्छी और क्रिस्पी बने। कढ़ाई में हमने तेल लिया है, उसमें हम कोफ्ते डाल देंगे। हम इसे मीडियम फ्लेम में फ्राई कर लेंगे। कोफ्ते हम बीच बीच में चलाते रहेंगे। आप देख रहे हैं कि कोफ्ते हमारे गोल्डन ब्राउन कलर के हो रहे हैं। ये हमारे कोफ्ते अच्छे से बन गए हैं। अब हम इन्हें एक टॉवल पेपर में निकाल लेंगे। ताकि हमारा जो एक्सेस ऑयल है वो निकल जाए। कोफ्ते हमारे रेडी हो गए हैं। अब हम ग्रेवी बनाएंगे। ग्रेवी बनाने के लिए हमने तेल लिया हुआ है, उसमें हम सारा खड़ा मसाला डालेंगे, तेज पत्ता, एक पिंच अदरक का भी डालेंगे। आप देख रहे हैं कि मसाला हमारा हो गया है। अब हम इसमें प्याज, टमाटर, अदरक, लहसुन की जो ग्रेवी हमने तैयार करी थी पीसकर, वो डालेंगे। इसको अच्छे से डालने के बाद हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और ये जब तक गोल्डन ब्राउन ना हो जाए और तेल ना छोड़ दे तब तक इसे हम पकाते रहेंगे। अप्रॉक्सीमेटली 5 से 6 मिनट तक इसको हम पकाते रहेंगे मीडियम फ्लेम में। हमारा ये हो गया है। अब हम इसमें सारे मसाले डालेंगे, हल्दी, धनिया, गरम मसाला, इन्हें हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके
इसका अच्छे से पेस्ट बना लेंगे। पेस्ट हमारा ऑलमोस्ट बन गया है। अब हम इसे ग्रेवी में ऐड कर देंगे। इसे हम अच्छे से चला लेंगे ताकि, और इसे हम 5 से 6 मिनट के लिए छोड़ देंगे ताकि हमारे सारे मसाले अच्छे से पक जाए। इनको बीच बीच में चलाते रहेंगे। हमारे मसाले अच्छे से हो गए हैं। अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे। पानी हमने इसे ऐड कर दिया है ग्रेवी के लिए। अब हम इसे 5 से 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे ताकि हमारी जो ग्रेवी है वो अच्छे से बन जाए। आप देख सकते हैं कि ग्रेवी हमारी ऑलमोस्ट रेडी है, काफी थिक हो चुकी है। अब हम इसमें क्रीम डालेंगे। क्रीम को अच्छे से मिला लेंगे। क्रीम हमारी मिल चुकी है ग्रेवी में। इसे थोड़ा शिमर होने देंगे। अब इसमें हम 1 टेबलस्पून कसूरी मेथी रगड़कर डाल देंगे। इसे हम चला लेंगे और इसे 2-3 मिनट के लिए शिमर होने देंगे। अब हम इसमें अपने कोफ्ते की बॉल्स ऐड करेंगे। ऐड कर दिए हैं हमने। हमने इसमें हरा धनिया भी डाल दिया है। आप इसे 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे। अब हम इसे प्लेट करेंगे। कोफ्ते हमारे बहुत ही यमी बने हैं, बहुत ही अच्छी स्मेल आ रही है। आप जरूर ट्राई करिएगा और मुझे बताइएगा कि कैसे बने। प्लेटिंग हमारी हो गई है। आप चाहें तो इसमें ऊपर से क्रीम और डाल सकते हैं गार्निशिंग के लिए, और थोड़ा सा हरा धनिया। और हमारा कोफ्ता रेडी हो गया है।